दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके फिर से आ गया हूँ। ठीक है, आज का जो वीडियो बनेगा ये इस पतंग का रिलेटेड होगा। ठीक है, ये पतंग का रिलेटेड होगा। पतंग का रिलेटेड मतलब इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं कमानी और ढड्डा के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। तो सामने इंडिपेंडेंस डे है, सबको मैं मेरी तरफ से आपको स्वागत है। आप लोग बहुत सारा पतंगबाजी कीजिए और लाइलन मंजा का कभी यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, तो वो हार्मफुल है, कॉटन थ्रेड यूज़ कीजिएगा। और इसलिए उसके लिए मैं ये पतंग बनाया हूँ, डिज़ाइन पतंग। ठीक है, ये डिज़ाइन पतंग सब कोई बनाता है, लेकिन ये पतंग एक्चुअली बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक और क्या क्या आपको करना है जुड़ाई के रिलेटेड, इसके लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ इसका। क्योंकि ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देखिए, इधर जोड़ाई है, इधर लिखाई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टोटल वीडियो को आप लोगों के लिए 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 6 पार्ट। तो आप पूरा उसको देखिएगा, A to Z ये पतंग कैसे बना है, A to Z आपको वो देखने के बाद आपको पता चलेगा, आप लोग सीख भी पाएंगे। और एक चीज़, ये टेक्निक अगर फॉलो करेंगे तो बाद में कोई भी डिज़ाइन आप पतंग में बना सकते हैं। ठीक है, जो नाइट का भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये है पतंग, आप लोग देख लीजिए। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेप हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, पहले तो आपको रंग जोड़ने के लिए स्टेप 1 है। इसमें आपको 3 तरह का कलर ले लेना है, जैसे ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। तो उसको पहले आप शेप में काट के उसको जोड़ाई कर लीजिए ले से। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इधर जो मैं वाइट कलर का पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो वाइट कलर का पेपर है, गोल्डन प्रिंटेड बटर पेपर। आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा ये पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली पेपर है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। तो पहले आपको जितना बनाना है, 4 या 5 जो पतंग भी बनाना है उसके हिसाब से आपको कागज़ को पहले काट लेना है, काट लेने के बाद उसको जोड़ लेना है। आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिज़ाइन मुझको बनाना है, जैसे मैं इधर एक जो डिज़ाइन अभी बना रहा है पंछी का, उसको पेन से ड्रॉ करके जो डिज़ाइन जो पेपर में जोड़ाई किया हूँ उसके ऊपर इसको ड्रॉ करके उसको काट ले रहा हूँ। ठीक है, ये काट लेना है, पहले काटना थोड़ा बड़ा करके है क्योंकि उसके ऊपर ले लगाना है। काट लेने के बाद उसको रख देना है, क्योंकि ये आपका पतंग का ऊपर जो पतंग आप बनाएंगे, जो भी आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में खुद अपने हाथ से जोड़ पाएँ। तो ये ऐसे डिज़ाइन आपको जोड़ के साइड में रख देना है। अच्छा, अभी आ जाइए स्टेप आपका ये हो गया 3। इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो आपको मतलब पेपर है, मतलब जो पतंग है जिसमें आपको डिज़ाइन काट करना है, उसमें भी आपको पेन से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ये जो नाइफ का छुरी होता है जैसे पेन की तरह, उसमें उसको उससे थोड़ा थोड़ा करके उसको काट के बाहर निकालना है, ताकि जो डिज़ाइन इससे पहले हम लोग काट के रख दिए हैं उसको इसके ऊपर हम लोग लगा सके। ठीक है, तो ये जब आप लोग करेंगे थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये पहले बार में आपको बहुत ख़राब हो जाएगा। डायरेक्ट आप पतंग में यूज़ मत कीजिएगा, एक पेपर लेके पहले ये नाइफ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नाइफ आप कहीं भी अमेजोन या बाहर से भी खरीद सकते हैं, कोई भी ब्लेड से भी करता है, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो इससे करता हूँ। तो पहले आप छोटा छोटा डिज़ाइन कोई रफ पेपर में चलाइएगा, क्योंकि ये पेन के तरह चलता है, तो ये एक बार में आपको होगा नहीं। तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पहले मत कीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा डिज़ाइन आप नॉर्मल रफ पेपर में वो काट के आप प्रैक्टिस करना होगा। करने के बाद धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगा, तब आप पतंग में ऐसे नाइफ को यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब टाइम का बात है, प्रैक्टिस का बात है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे हो जाएगा। मैं ज़्यादा ये सब जुड़ाई का काम, ये सब कटिंग का काम मैं करता नहीं हूँ, फिर भी मुझको लगा कि एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें ये पेपर का कटिंग होता कैसा है वो
देखना चाहिए, क्योंकि YouTube में मेरे हिसाब से ऐसा कभी मतलब दिखा नहीं वीडियो जिसमें सीख पाऊँ और पूरा A to Z सीख पाऊँ। तो इसके हिसाब से मैं ये वीडियो अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ 15 अगस्त के हिसाब से, कि ये आपका ऑकेशन भी हो जाएगा और ये जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं कैसे बनाते हैं उसका एक डेमो भी आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा काटने के बाद ये धीरे 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 आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ये पूरा आस्ते 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 उसका एक शेप में आ जाएगा, फिर उसको काट के निकाल लेना है और थोड़ा ध्यान में ताकि वो पेपर जो है वो फट ना जाए या कहीं गलत जगह पर आपको नाइफ चलना जाए तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको पहले कर लीजिएगा धीरे धीरे। देखिए ये हो जाएगा, अभी इसको हम लोग को निकालना है। जब आप निकालेंगे तो कहीं कहीं पर वो लॉक हो जाएगा, तो लॉक हो जाने के बाद आपको धीरे से उसको निकालना होगा, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी करेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए ये कैसा नॉर्मली कैसा होता है। और दोनों तरफ मैं एक तरफ का आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों तरफ का सेम ही है, सेम पंछी है उसका, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ भी लगाएंगे पतंग के हिसाब से, जो पतंग हम लोग बना रहे तो उसके हिसाब से मुझको काट ले रहे हैं। आप लोग देखिए, देखिए ये जगह पर थोड़ा अभी रुका हुआ है, उसको फिर से मुझको काटना है। अच्छा, हाथ को घुमा घुमा के काटना है, ठीक है, और कभी पेपर को भी घुमाना है, ये आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अच्छा, नीचे में जो यूज़ करता हूँ वो मैट है, आप मैट यूज़ कर सकते कुछ भी। देखिए ये भी निकल जाएगा, ये देखिए हो गया एग्जैक्टली जो शेप में था वो शेप में आ जाए आ गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट Step 4 में। Step 4 में कुछ भी नहीं है, Step 4 में डिज़ाइन जो हम लोग बना के रखे थे पहले उसमें लेई लगाना है साइड में और उसको मेन पतंग में आपको चिपकाना है। तो ये लेई लगाने का टेक्निक मैं ये यूज़ करता हूँ, कोई कोई अलग अलग चीज़ यूज़ करता है। तो ये धार में लेई लगाने के बाद आपको लेई लगाने में दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा उसको उसमें बैठाने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि लेई लगाने के बाद ये थोड़ा नरम हो जाता है कागज़, देखिए ये उठाने में ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से थोड़ा सब्र से कर लीजिएगा और बैठाइएगा, जब चारों तरफ सेम होना चाहिए, और एक बार अगर बैठ जाएगा तो ये उठेगा नहीं। तो आपको 2-3 बार देखना है कि चारों तरफ के बैठा है नहीं। एक पेन यूज़ कर सकते हैं ऐसे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप उठा उठा के देख सकते हैं, अगर नहीं है तो मत बैठाइए क्योंकि वो खुल जाएगा। अगर एक बार देखेंगे हाँ चारों तरफ बैठ गया, फिर धीरे धीरे उंगली से उसको आप लगा दीजिएगा, वो ले ही है वो अपने आप लग जाएगा। ठीक है, और इधर ज़्यादा चापिएगा मत, दूसरी तरफ से उसको थोड़ा एक सूखा कपड़ा से उसको आपको फिनिशिंग करना है। देखिए ये हो गया फिनिशिंग, ठीक है, चलिए देखिए ये अभी हो गया फिनिशिंग। इसके बाद आपको वैसे जैसे पहले आप डिज़ाइन को काटे थे पेपर से, वैसे ही आपको फिर से एक बार इंडिया जो लिख मतलब अल्फ़ाबेट है उसको काटना है। टेक्निक सेम ही है, उसको काट काट के रखना है और उसका हिसाब से जो कलर आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर उसको थोड़ा बड़ा करके उसको उसमें लगाना है। इसमें आप कुछ भी आप कर सकते हैं, पेपर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, डिज़ाइन नाम कर सकते हैं। देखिए मैं इंडिया किया हूँ। अच्छा, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, थोड़ा बुखार है इसलिए गला में थोड़ा ख़राब है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया एज इट इज़, जैसे पहले वो डिज़ाइन आपको दिखाया जोड़ने के लिए सेम है। अभी देखिए इसका पतंग का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, अभी इसमें हम लोग नॉर्मली फिनिशिंग का काम करेंगे इसके बाद। तो ये कुछ इजी स्टेप में मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए Step 5 है, ये Step 5 में एक बार में कर दिया हूँ क्योंकि ये Step 5 में कमानी एंड ढड्डा को कैसे चराना है उसके हिसाब से। मैं पहले भी आपको कमानी और ढड्डा का वीडियो डाला हुआ हूँ,
फिर भी ये वीडियो मैं पूरा कंप्लीट बना रहा हूँ। एक बहुत जन ने मुझको बोला कि पूरा कंप्लीट मुझको वीडियो देखना है कैसे आप लोग बनाते हैं। मैं तो एक बार में पूरा बनाता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कभी बनाता हूँ, रख देता हूँ, फिर बनाता हूँ। लेकिन ये स्पेशल ओकेशन में इंडिपेंडेंट के हिसाब से। अच्छा देखिए, ये जो कमान है ना, ये कमान गांठदार है, दोनों तरफ देख पाएंगे, ये दोनों तरफ जवाब भी गांठ है, ठीक है। तो ये गांठदार कमान को हम लोग इसके हिसाब से छील लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है और ये शेप में नहीं है, इसको थोड़ा छील के जैसे पहले आप लोग को सिखाया था मेरा पिछले वीडियो में कैसे करना है, उसके हिसाब से आप लोग खुद बुक कर लीजिएगा। और अगर आपको कमान कैसे छीनना है देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मेरा वो कमानी वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बिठा बिठा के देखना है कि कैसे ये बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मा है ये पूरा गोल फॉर्मा है और ये पूरा गोल टूर्नामेंट साइज़ का बड़ा फॉर्मा है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देख के कमान चलाना पड़ता है, इसका इधर उधर हो जाएगा तो आएगा नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गांठदार कमान को छीनना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसको दोनों तरफ गांठ रहता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ठीक है, देखिए हम लोग हम कैसे उसको करते हैं, आप देखते रहिए। जब भी आप कमानी चलाएंगे तो थोड़ा ध्यान से आपको चलाना है, ठीक है। तो वो आप लोग तो जानते हैं, मैं आपको पहले भी वीडियो दिया था कि कमान चलाना कैसा है। अच्छा, आज मेरा तबीयत ख़राब है, पहले ही बोला, थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा साउंड या वॉइस थोड़ा ख़राब आ सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखते रहिए ये कैसे कमान चलाता है, फिर चलाने के बाद हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे, आप लोग देखते रहिए। अच्छा, कमान चलाने से पहले थोड़ा अच्छे तरह से उसको मैनेज करके देख लीजिएगा कि दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। कमानी चलाने के बाद आप लोग ज़मीन कर दीजिएगा, क्योंकि उसने फिर ना जाए। इसके बाद आपको इसमें फिनिशिंग करना है, ये है स्टेप सिक्स। स्टेप सिक्स में हम लोग उसको फिनिशिंग करेंगे, डोरी पट्टी और जो जो है वो करेंगे। मैं ये सब स्किप कर सकता था लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार में आपको आइडिया आ जाएगा पूरा पतंग बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक होना चाहिए। तो आप लोग देखते रहिए, और अगर कुछ दिक्कत है कुछ समझने में तो हमको आप कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और बने रहिए, इसके बाद और भी अच्छा अच्छा वीडियो आते रहेगा। और आप लोग का वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थैंक यू, क्योंकि आप इतना देखते हैं सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं नया वीडियो बनाता रहता हूँ। मुझको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है पहले से, तो थोड़ा थोड़ा करके देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ जितना हो सके, और जितना मुझको नॉलेज है वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहिए।
लास्ट में फिनिशिंग करने के बाद हम लोग पत्ता लगाएंगे। अभी पत्ता लग रहा है, मैं दो वीडियो एक साथ कर दिया क्योंकि नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ये इतना लंबा वीडियो देखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग को तो थोड़ा नॉलेज है इसलिए, ठीक है। और फिर से मेरा थैंक यू सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। जो नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और नॉर्मली